दोस्तों हम देखेंगे आज कि जो समरसिबल होता है, समरसिबल को चलाने के लिए जो हमारे पास एक स्टार्टर लगा होता है उसमें क्या क्या चीज़ होती है, क्या कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं उसके बारे में हम आज देखते हैं। जैसे ये आप देख रहे हो, ये प्रकाश कंपनी का एक स्टार्टर है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट लगे हुए हैं वो हम देखते हैं। इसमें ये स्टार्ट बटन होता है एक, जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है। ये स्टॉप बटन है, ऑफ लिखा हुआ है यहाँ पर, ये रेड कलर में है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि वायरिंग जो है उसमें कनेक्शन कैसे करते हैं मोटर और सप्लाई के बीच में। तो यहाँ पे 220 वोल्ट दिखा रखा है मेन है, यहाँ पे फेस और न्यूट्रल आएगा, और यहाँ पे मोटर को जो है जो कनेक्शन जाएंगे वो उसमें लिखा हुआ RYB। इसमें तीन तरह के फेस जाते हैं मोटर के लिए, तो कनेक्शन उनके यहाँ पर होंगे इस जगह पर, ये दिखा रखा है। ऊपर देखिए यहाँ पर एक एमीटर लगा हुआ है, कितना ये जो है हमारे मोटर जो है कितना एम्पियर वो ले रही है उसको यहाँ पे शो होगा। और ये वोल्ट मीटर है, वोल्टेज कितने आ रही है हमारे पास। ये पावर ऑन ऑफ दिखा रहा है यहाँ पे, सॉरी सिग्नल। ये पुश बटन है, इस पुश बटन से चेक कर लेते हैं वोल्टेज कितनी आ रही है हमारी, स्टार्ट करने से पहले वोल्टेज पूरी है कि नहीं है। ये MCB है, मेन MCB है जिसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से बंद कर देंगे तो बंद हो जाएगा, यहाँ चालू करते हैं चालू हो जाएगा। वहाँ अंदर देखते हैं अंदर क्या क्या चीज़ें इसमें, तो देख सकते हैं दोस्तों इसमें दो कैपेसिटर लगे हुए हैं। ये दो कैपेसिटर है, और ये एक रिले है, और बाकी वायरिंग किया हुआ है स्विचों के साथ में, MCB के साथ में, जो भी हमने 12 कंपोनेंट देखे थे उसमें। और यहाँ पे वो टर्मिनल है जहाँ पे मेन पॉजिटिव फेस और न्यूट्रल लगे थे मेन के, और मोटर को जाने वाले तीन वायर, ये देखिए मोटर को जाने वाला RYB मोटर जा रही है, और ये फेस है फ्यूचर न्यूट्रल जो मेन आ रही है।